कानपुर में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को गैंगस्टर विकास दुबे की 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है। उसने अपने रिश्तेदारों और सहभागियों के नाम पर खरीदा था। ये संपत्तियां कानपुर और आसपास के इलाकों में स्थित है। तलाशी अभियान के दौरान ईडी को दुबे की 28 से अधिक अवैध संपत्तियां मिली थी। दुबे अपनी पत्नी ऋचा दुबे रिश्तेदारों समेत जयकांत व उनके रिश्तेदारों के नाम पर जमीन पर कब्जा करता था। विकास दुबे 3 जुलाई 2020 के बेगरू नरसंहार का मुख्य आरोपी था, जिसमें उसके घर पर छापा मारने के 8 पुलिसकर्मियों की उसने और उसके सहयोगियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के एक हफ्ते के भीतर विकास दुबे और उसके गिरोह के 5 सदस्य पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए थे। ईसीआईआर दर्ज करने के बाद ईडी ने संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा अवैध वर्जित लाभ से संपत्ति खरीदने आदि के अपराध में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पीएमएलए 2002 के तहत आगे की जांच शुरू की। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत जांच के दौरान 10 करोड़ 12 लाख रुपए की संपत्ति की पहचान व सत्यापन किया गया। इसमें विकास दुबे, उनके परिवार के सदस्य जयकांत वाजपेयी व उनके परिवार के सदस्य समेत अन्य सहयोगियों की आपराधिक गतिविधियों द्वारा अर्जित अपराध की आय से अर्जित संपत्तियां शामिल है। विकास दुबे संगठित अपराध, भूमाफिया, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि के लिए धन के गबन आदि में शामिल था। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि वे व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त थे और उन्होंने अचल संपत्तियों में अपराध की आय का निवेश किया था। इस मामले की आगे की जांच की जा रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।